हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्री मेडिको। मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य। जैसा कि हम सभी इस फिजिक्स के चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं, बेसिक्स मैथमेटिक्स। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर, ये तीन टॉपिक हमको कवर करने हैं। तो इसी सीरीज़ को लेते हुए आज हम इसका दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, बेसिक्स मैथमेटिक्स का, डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो क्यों पड़ती है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जो इसके बेसिक्स वर्ड हैं, बस इसको हमें थोड़ा सा समझना है कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हमने अपने फर्दर टॉपिक्स पर आएंगे, इनको एलेबोरेट करेंगे और समझेंगे डिफरेंशिएशन के अलग अलग फार्मूलेज क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल ही पता होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे अगर मैं कह दूँ, दो अलग अलग टाइप की सेल्स मैं बना देता हूँ इनको, जैसा कि आपको इस फिगर में देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से। ठीक है, ये देखिए, ये एक जैसी सेल्स बड़ी बड़ी हैं, फिर एक जैसी सेल्स कुछ छोटी छोटी हैं। तो अगर इन सेल्स को एक ग्रुप दे दिया जाए कि ये कुछ अलग टाइप की सेल्स हैं और ये कुछ अलग टाइप की सेल्स हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को अगर अलग कर पा रहे हैं तो उसी चीज़ को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही आपको करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर चीज़ों को अलग अलग करना होगा। ओके, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। फिर क्या होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि आप सिंपली चीज़ों को अगर सम ऑफ करें, ओके, कुछ चीज़ें हैं अगर हम जिसको सम ऑफ कर लें और उसकी एक वैल्यू हम फाइंड कर लें तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है चीज़ों को जोड़ते हुए जाना। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे पास एक इतना बड़ा सेगमेंट है, ओके, ये जो इतना बड़ा सेगमेंट है, या अगर हम मान लेते हैं ये इतनी बड़ी सी एक रॉड है, ठीक है, तो ये जो बड़ी सी रॉड है, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर हम देखें, ठीक है, अब इनके सारे एलिमेंट्स को हम अलग अलग कर दें, ठीक है, ये देखिए जितने इस रॉड के एलिमेंट थे हमने इस रॉड के टुकड़े कर दिए। अब इतने सारे टुकड़े अगर हमको मिल गए तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक रॉड मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, जोड़ना। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इंटीग्रेशन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, जब हमको कोई एवरेज वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, एक कोई ऐसा एरिया होगा जो एक ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको फॉलो किया जाएगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है, जब हम इसको फॉर्मूले के मेथड से और ग्राफ के मेथड से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी के लिए डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब आपको ये समझना है कि जब भी दो चीज़ों को, दो पॉइंट्स को अलग करना होता है तो उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर इन्हीं दो से ज़्यादा पॉइंट्स को अगर हमें सम अप करना होता है, जोड़ना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास ये तीन टर्म होंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको, चाहे आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं या इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि हम कॉन्स्टेंट क्या होता है, ओके, ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं एंड फंक्शन क्या होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं तो काफ़ी हद तक आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इट इज़ द वैल्यू, ओके, ये एक ऐसी वैल्यू होती है विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वैल्यू इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अब किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट कहने का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट कहने का मतलब ये होता है अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो बिल्कुल ही चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स हो। तो हम सभी जानते हैं, कोई भी अगर इंटीजर मल्टीपल है, कोई भी नंबर अगर आपको दिया हो, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है ये, 100,000 मिलियंस, ओके, तो ये जो नंबर्स होते हैं, अगर आपको कोई वैल्यू 1 लिखी हुई है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। 2 होती है, ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाए, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होते हैं, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होते हैं, ओके, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट,
ये सभी जितनी वैल्यू होती हैं ये सभी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। इन सब की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो किसी भी ना कि टाइम के साथ ना ही पोजीशन के साथ ये कभी चेंज नहीं होती है। सो ये जो वैल्यू होती है इसीलिए इनको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो चीज़ चेंज ना हो। ओके, अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। ओके, अभी आगे इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है वेरिएबल। वेरिएबल में ही आपका सब कुछ छिपा हुआ है। वेरिएबल का मतलब द वैल्यू विच कैन बी चेंज। ओके, ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सके, द वैल्यू कैन बी चेंज। अब कोई ऐसी वैल्यू हमारे सामने हमारे क्वेश्चन के थ्रू अगर हमको मिलती है जो वैल्यू टाइम के साथ पोजीशन के साथ अगर चेंज हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और उन वेरिएबल्स को अगर हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड या कोई भी ऐसी वैल्यू जो टाइम एंड पोजीशन के साथ चेंज हो रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होना, ठीक है। तो वेरिएबल ये हो जाता है, कॉन्स्टेंट आपका। फिर तीसरी चीज़ आती है फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है इसको आपको समझना है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा हुआ है एफ एक्स, ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे y y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको अगर हम कह दें इक्वेशन हमारी वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, यानी जो इक्वेशन में आपका वाई है वो क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा। अगर जैसे आप इसको सिंपली नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये आप हो गए, ठीक है, आप बैठे हुए हैं और ये आपके सामने क्या रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, ठीक है, ये फूड हो गया और ये हो गए आप, ठीक है, अब बॉय जो सामने बैठा हुआ है इस खाने को खाने के लिए। अगर आप ये खाना है, ठीक है, इस खाने को क्या करना है आपको, ईट करना है, ठीक है, ईटिंग। तो सिंपली फंक्शन क्या हो गया आपका, ईटिंग हो गया, ये खाना हो गया। सिंपली ऐसे अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख रखा है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई इक्वेशन जो एक्स के साथ वेरी कर रही है उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है, यही आपका फंक्शन हो जाएगा वाई। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझना है, सिर्फ अगर आप इक्वेशन को ही जान ले कि फंक्शन क्या होता है, तो जो इक्वेशन का वाई होता है इस साइड में लिखा होगा वही इस इक्वेशन का क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें कांस्टेंट होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती है, वेरिएबल जो टाइम एंड पोजिशन के साथ चेंज हो सकती है वो कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, ओके, या कोई और भी वैल्यू हम मान सकते हैं। फंक्शन क्या होता है कि जिस भी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, यानी जिस भी इक्वेशन का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है, हम पे उसको क्या करना है, वर्कअप करना है, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम सिंपली कह देते हैं फंक्शन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, क्या टॉपिक है हमारा जो पढ़ना है अभी। चलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि क्या होता है फिजिकल मीनिंग, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोलते चले जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। फिजिकल मतलब अगर हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें इस डिफरेंशिएशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी ये देखिए आपका फंक्शन हो गया, यही तो आपका फंक्शन है जिस पे हमें वर्क करना है, और ये फंक्शन आपका किसके साथ चेंज हो रहा है, ये देखिए एक्स, तो नीचे आपका वेरिएबल है, ऊपर क्या है, फंक्शन। ऊपर आपका फंक्शन है, नीचे क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल हमने क्या माना था, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज़ जो पोजीशन और टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन कहाँ पर करते हैं, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसमें जो चेंज है बहुत छोटा हो रहा है, या जो एक्स है वेरिएबल वो भी बहुत स्मॉल होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और ये जो हमने लिख रखा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स को मैं आपके सामने दिखा देना चाहता हूँ, हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम और भी क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग इसका इतना ही होता है कि हम फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ओके। और फर्दर चीज़ें कुछ हम इस पे देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, स्मॉल चेंजेस किस में हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन में, जो डी वाई है वो भी आपका बहुत छोटा है और जो डी एक्स है वो भी बहुत छोटा है। तो अभी के लिए अगर हम मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
वो जो डिस्टेंस चल रहा है उसका जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं बहुत छोटा है, कितना है, डेल्टा एस है, ठीक है, आफ्टर टाइम डेल्टा टी, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये तो मैंने चेंज लिया है, ये अगर बहुत छोटा हो तो इसको हम कहेंगे डी एस, डी का मतलब होता है बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट एंड बहुत ही छोटा टाइम डी टी, ठीक। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्पीड मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी। तो ये दोनों चीज़ें आप ऐसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन, कहने का क्या मतलब होता है कि अगर बहुत छोटा चेंज हो रहा है, ठीक है, वाई के फंक्शन में, ठीक है, एंड जो वेरिएबल नीचे है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए मैंने लिख रखा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा का क्या मतलब होता है, मतलब एक लिमिट होता है कि आपका चेंज, जैसे मान लीजिए आप पहले यहाँ पर थे फिर यहाँ पर चले गए, तो आपकी पोजीशन में जो चेंज आता है, ठीक है, इसको हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं। अब ये जो डेल्टा एक्स है ये इतना छोटा होता है कि लगभग हम इसको कितने के बराबर मान लेते हैं, जीरो के बराबर। तो इसको पढ़ते हैं जो नीचे का वैल्यू, जो वेरिएबल आपका डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा है तो इसी डेल्टा एक्स को हम क्या मान लेते हैं, डी एक्स मान लेते हैं और ये डी वाई मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका लिमिट के फॉर्म में होता है और ये आपका किसके फॉर्म में होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब अगर बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स, अगर इसको हम देखें तो ये हमको क्या देता है, इंस्टेंट वैल्यू देता है। इंस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं जानते होंगे, इंस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल यकायक, मतलब आप जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, जिस टाइम पर आप कोई भी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, सिर्फ आप उसी पर फोकस करते हैं और उसी को कंसीडर करते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक ग्राफ बना करके दिखा दूँ, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पर लेते हैं, ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में हमको देखना है कि मान लीजिए मैंने ये कोई ऐसे स्लोप खींच दिया, ठीक है, ऊपर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे की तरफ आपका क्या है, टाइम है। अगर मैं पूछूं कि इस टाइम के लिए, नीचे यहाँ पर ये देखिए ये जो लाइन मैंने खींची, इस टाइम के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट की जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी होगी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो डिफरेंशिएशन होता है ये हमको क्या वैल्यू देता है, इंस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है। अभी हम इसको ग्राफ मेथड में भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो पहले फॉर्मूला मेथड पढ़ लेते हैं फिर ग्राफ मेथड पढ़ेंगे। तो जब भी हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो वो हमको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने लाइन लिखी हुई है, इसने कहा मान लीजिए आप वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी यानी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, किसी एक्स के लिए स्पेसिफिक होगी, कि एक एक्स के लिए वाई की वैल्यू सिर्फ वही होगी जो उस एक्स के लिए पूछा जा रहा है। अभी मैं आपको ग्राफ से दिखा दूंगा, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको ग्राफ में शो कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर इंस्टेंटेनियस आपको समझना है तो आप कहाँ पर आइए, ग्राफ पर आइए, ठीक है। तो जैसा कि वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, मैंने यहाँ पर ऐसे कोई स्लोप खींच दिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर इस एक पॉइंट पर, ठीक है, ये मेरा आप ब्लू पॉइंट देखिएगा इस लाइन पर, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखिए आपका टेंजेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, स्लोप ऑफ दी लाइन। अब ये देखिए एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल अगर बना रहा है तो इस पॉइंट के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये पूरा एक्सिस बड़ा सा वाई है तो ये जो लाइन आपकी ये सीधी लाइन में खींच रहा हूँ ये वाई के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो इसको हम क्या कह देंगे, डी वाई। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है ये कौन सी लाइन हो गई, डी एक्स लाइन हो गई, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक्सिस क्या है, एक्स है, और छोटा सा अगर इस पॉइंट के लिए हम एक्स लेंगे तो वो छोटा सा पॉइंट क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं स्लोप, स्लोप को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। अगर आपका थीटा बहुत स्मॉल होता है तो इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट
टैन थीटा कहते हैं, ठीक है। और टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है हम सभी जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें देखिए थीटा के सामने ये डी वाई आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और नीचे जो आपका हो गया क्या हो गया, एक्स एक्सिस पर बेस, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल, अगर हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो ठीक है, हमें उससे क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये है डिफ्रेंसिएशन। तो अगर किसी दो वैल्यू का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है, ठीक है। और स्लोप क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। आप खुद देखिए, अगर एक्स यहाँ पर मैं मान लूँ कि इस एक्स के लिए वाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये एक्स के इस एक्सिस पर है, वाई के इस एक्सिस पर है, यानी इस एक्स के लिए इस वाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक्स इजिक्वल टू 4 है और वाई इजिक्वल टू क्या है, 10 है, इस एक्सिस पर क्या है, 10 है, तो इस एक्स के लिए वाई की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ मेथड से जब हम पढ़ते हैं या जब भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। डिफरेंस मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ देखते रहिए स्क्रीन पर, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब भी आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, इससे आपको कौन सी वैल्यू मिलती है, इंस्टेंट वैल्यू मिलती है। कौन सी वैल्यू मिलती है, इंस्टेंट वैल्यू मिलती है। अगर वही चीज़ आप ग्राफ में देखने जा रहे हो तो डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, स्लोप देता है। उसी स्लोप को क्या कहते हैं, थीटा। ये थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। बस इससे ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन वो नीट के लेवल पर बिल्कुल बकवास होती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो ग्राफ मेथड से डिफरेंशिएशन का जितना मैंने बताया है सिर्फ इतना ही मतलब होता है, इसके अलावा और कोई भी मतलब नहीं होता है। अब वापस से आ जाते हैं अपने कुछ फार्मूलेस को देखने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो ग्राफ मेथड है ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन से ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल आप मेरे साथ देखते रहिए स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने तीन चीज़ें पढ़ाई हैं, एक क्या पढ़ाया है, कॉन्स्टेंट पढ़ाया है, एक क्या पढ़ाया है, फंक्शन पढ़ाया है। तो ये देखिए आपका एफ वाई क्या हो गया, फंक्शन हो गया, एक्स आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो जो फार्मूले मैं बताता जा रहा हूँ बस आप उस पर गौर करिए और उसको समझते जाइए, ठीक है। तो ये देखिए, जब भी मान लीजिए y इजिक्वल टू एफ एक्स है, यानी जो y का फंक्शन है, ठीक है, वो x की पावर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, x की पावर n है, यानी जो x आपका क्या है, वेरिएबल है, और जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, n है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये डी तो आप ऐसे ही लिखिए, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये देखिए एक्स की पावर एन लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, डी एक्स लिख दिया। इसका सिंपल सा रूल होता है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो जी जो देखिए एक्स पर आपकी पावर एन है ना, इसको आप आगे लिखते हैं एक्स की पावर एन, ठीक है। इसके बाद आप जो पावर है उसका क्या कर देते हैं, वन माइनस कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएटेड वैल्यू आ गई। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x की पावर n है, तो इसकी वैल्यू मैंने n को आगे कर दिया और इसमें से n माइनस वन कर दिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी हम कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है, इन सारे फार्मूले से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये देखिए आपका यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो मेरे साथ ही आप लोग जान लीजिए, जो भी कॉन्स्टेंट, अगर कोई भी कॉन्स्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, बिल्कुल याद रख लीजिए। जब भी कोई कॉन्स्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ भी देखिए, ये वाई आपका फंक्शन हो गया, सी आपका कॉन्स्टेंट हो गया, और ये देखिए एक्स की पावर एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सी है, कॉन्स्टेंट है, क्या उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मेरे साथ ही जान लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए वाई की वैल्यू हमको रखनी, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, सी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स। तो सी का तो आपको पता है यहाँ पर जीरो नहीं होगा, तो सी का तो हम सी लिख लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। सी का मतलब क्या, कोई नंबर हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है।
और फिर हम देखिए x का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि इसको कैसे करना है, इसकी जो पावर n है उसको आप आगे ले आइए, ठीक है। ये देखिए हम ले आए और यहाँ पर x की पावर -1 कर दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया किसका, इसके लिए, ठीक है। वापस से आ जाते हैं। अब देखिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले, देखिए अभी तक मैंने जितना बताया वहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x था, ठीक। ये जो दूसरा, ये जो नेक्स्ट स्टेप मैं डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, ये जो आपका u और v है, इसको आप वेलोसिटी ना मानिए, ये पहला वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल है, और जो नीचे है ये भी आपका क्या है, वेरिएबल है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और दो वेरिएबल्स आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें जो पहला टर्म होता है, ऊपर वाला जो टर्म होता है, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, नीचे वाले का जो ये टर्म है, ये वेरिएबल है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, अगर दो वेरिएबल आपस में डिवाइड कर रहे हों तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला वेरिएबल होता है पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखिए, ये जो u है मैंने इसको x के साथ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, du बाई dx, ओके। और ये जो नीचे वाला टर्म होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला वेरिएबल है इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और हम क्या करते हैं, u को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो ये नीचे की वैल्यू होते हैं इसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, सो आप यहीं पर मेरे साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं। अगर दो वेरिएबल्स आपके सामने हों और दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हों, मल्टीप्लाई कर रहे हों, ये देखिए एक वेरिएबल ये हो गया आपका, एक वेरिएबल ये आपके पास कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। तो इन दो वेरिएबल्स अगर साथ में हो तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप क्या करिए, पहले वाले टर्म को कांस्टेंट रखिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये देखिए दूसरा वाला टर्म क्या है, वी है, तो dv/dx। अब देखिए फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। देखिए डिवीजन में हम माइनस का साइन लगाते थे, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले टर्म को कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करके उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये फार्मूला समझ में आ गया, अभी तक मैंने तीन फार्मूले बताए, अब चलिए उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जांपल है आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसा है जो दिख रहा होगा। ये सबसे पहला फार्मूला किसको फॉलो करेगा, आप मान लीजिए वाई इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू क्या है, 3x, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू यू है और नीचे वाली वैल्यू क्या है, वी है। अब चलिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले सारे पता हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, यानी dy/dx। यहाँ y की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन dx, ठीक है। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मान लीजिए ये जो मैंने लिखा है इसमें तीन टर्म है, एक टर्म क्या है ए एक्स का स्क्वायर है, दूसरा टर्म क्या है बी एक्स का स्क्वायर है, तीसरा टर्म क्या है सी है, ठीक है। अब आपको समझना है, ये देखिए यहाँ पर जो ए है ये आपका कांस्टेंट है और एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है। मुझे कैसे पता कि एक्स वेरिएबल है, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो चीज़ वेरिएबल होती है उसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि उसी को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे एक्स है मतलब एक्स वेरिएबल है, और ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने रूल्स बताया आप उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाइए, आपका जो डिफरेंशिएशन है आप ऐसे ही सीख जाएंगे, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वाले टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे, तो मैंने अभी बताया था कि अगर सी की पावर एक्स एन, मैं फिर से आपको फार्मूला दिखा देता हूँ ताकि आपको जल्दी से स्ट्राइक करें, यानी आप यहाँ पर क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं, सी की पावर एक्स एन, ओके। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ये जो पावर होती है उसको हम आगे ला करके मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट को ऐसे रहने देते हैं और उसकी पावर में एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सीखे, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब आप इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ x की पावर 2 है तो ये 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, a तो वैसे ही लिखा जाएगा आपका, यहाँ पर क्या करना है, x की पावर 2 है उसमें से एक माइनस करना है, स्टेप वाइज आप सीखिए मेरे साथ। ये देखिए यहाँ b है, x की पावर 1 है, तो 1 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही लिखेंगे, कोई मतलब नहीं उसको लिखने का। और यहाँ देखिए x की पावर 1-1 करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था कोई भी कॉन्स्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है,
जीरो हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो डिफरेंशिएशन हो गया वो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो गया, 2a x की पावर 2 में से एक गया क्या हो गया, 1 हो गया, लिखिए या ना लिखिए। प्लस इसको देखिए, x की पावर 1 माइनस 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0। और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, b हो गया। तो जो आपका फाइनल डिफरेंशिएशन करने पर आया है वो आपको क्या शो कर रहा है कि आपने जो इस वैल्यू को डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आपकी 2ax + b हो गई, ठीक है। अब जो भी आपको इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने को मिलेगा, आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, आप फिर से अपना फॉर्मूला रिवाइज़ कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ऊपर भी वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट है, यानी y = 3x + 4, और नीचे 4x + 2, यानी यहाँ x ऊपर और नीचे दोनों ही वेरी कर रहे हैं। तो आप इसका क्या फार्मूला लगाते थे अगर दो वेरिएबल्स होते थे, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने फार्मूला दिख रहा है। इसमें हम क्या करते थे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते थे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर माइनस का साइन लगाते थे, फिर क्या करते थे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट, यानी कि पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग। तो ये आप यहीं पर फॉर्मूला लगाइए। अब हम किसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, सिंपली आपको पता होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम फिर से करने जा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। आप फिर से, आपको वाई की वैल्यू पता है क्या, 3x + 4/4x + 5/dx। आपका कुछ डिफरेंशिएशन इसी तरह से। तो मैंने क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, यानी 3x + 4/dx। मल्टीप्लाई किससे करना है, नीचे वाली वैल्यू से। तो आपकी नीचे वाली वैल्यू क्या है, 4x + 5। आई थिंक आपको स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, तो आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं है, बस ये फॉर्मूले को फॉलो करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका, माइनस साइन लगाया आपने। फिर आपको क्या करना है, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाले को मैंने 3x + 4 कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए। तो नीचे वाला क्या है आपका, 4x + 5/dx। फिर मैंने क्या बोला था, आप ऐसा करिए जो नीचे वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, 4x² यानी वी का स्क्वायर करते थे, तो वी का स्क्वायर क्या है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए स्टेप वाइज, ठीक है। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें, आपको सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। जैसा कि आपको डिफरेंशिएशन अगर आ रहा है समझ में, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ आप सबके लिए। ये देखिए 4x + 5, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए 3x, इसमें जो आप इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरे साथ देखिएगा, इसमें दो टर्म है, एक 3x है और एक क्या क्या है, 4 है, ठीक है। पहले आप 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने क्या बताया है, ये हो गया आपका 3, इसकी पावर 1 है, आगे लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, और 1 - 1 कर देंगे तो x की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। और किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1, ओके। अब आप 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ये आपका 3x हो गया +4 हो गया, ठीक है। अब फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करिए, देखिए 4x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका x में से 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। और 5 का इंटीग्रेशन जो कि कांस्टेंट है, अकेले है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आप इसका स्क्वायर ऐसे ही रखिए, 4x + 5। अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो आप इसको एक्सप्लोर करिए a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले से, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका है 3, ये 0 का कोई मतलब रह नहीं गया, ठीक है। ये आपका हो गया 4, 0 का कोई मतलब रह नहीं गया। अब आप इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x + 15 माइनस, आप ये सब कुछ आपका ब्रेकेट में है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 12x-, ठीक है, आपका ये ब्रेकेट ओपन होगा तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, अपॉन 4x + 5। आई थिंक अगर मेरा कैलकुलेशन मेथड सही है तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए, देखिए 12x + ये क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और ये इसको सॉल्व करिए, क्या हो गया आपका, 16 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 / 4x + 5 का
होल स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के लिए मैंने सब कुछ सही सॉल्व किया है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? जो हम डी वाई बाई डी एक्स अभी तक डिफ्रेंशिएट करते हुए आ रहे थे, ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोगों ने अपना क्वेश्चन यहाँ से करना शुरू किया है और यहाँ तक जा जा करके हमने अपना आंसर फाइंड कर लिया है। ओके, तो फाइनली ये दो क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व हो गए हैं, जो कि मैंने फार्मूला दिया था उसके बेसिस पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको फार्मूला भी याद हो गया और आपका एप्लीकेशन भी हो गया। तो कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और जो कुछ अदर फार्मूलाज हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। इनको आपको याद ही करना है, कुछ अलग से सोचना नहीं है। और जितना मैं बता रहा हूँ आप विश्वास रखिए, बस उससे ज़्यादा ही नीट में ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन जो है साइन के फॉर्म में है, अब अगर आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर जो डी की वैल्यू है क्या है, वाई की वैल्यू है साइन एक्स, ठीक है, अपॉन डी एक्स। तो जब भी आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, याद रखिए कॉस होगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स होगा, थीटा होगा तो थीटा होगा, ठीक है। यानी साइन के ये जो भी साइन कॉस टेन होता है, इसके पीछे जो भी वैल्यू, इसके आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है ना, उन सब का मतलब होता है एंगल। तो मैं एक्स लिखूं या थीटा लिखूं कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, आप याद रखिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपका थीटा है एक्स के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए मैंने एक्स लिखा। अगर यहाँ पे थीटा लिखा होता तो नीचे डी थीटा होता, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, आप सभी जानते हैं यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, ओके, वाई डी एक्स। तो जब भी आप कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बिल्कुल याद रखिए, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, टैन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसका मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ओके। और ये कॉट का अगर मैं अब सीधे लिख देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये तीन वैल्यू याद रखनी है, इतना ही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आपका क्या पूछा जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का, ज़्यादा से ज़्यादा टेन एक्स का, इसके आगे कोई भी आपका डिफरेंशिएशन इस नीट के लेवल पर नहीं पूछा जाता, तो फालतू में आपको वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, ये जो इसका डिफरेंशिएशन होता है इसको याद कर लेना है, लॉग बेस ई का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स, ठीक है। अगर आप एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा उसका डिफरेंशिएशन कभी चेंज नहीं होता। अगर वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई एक्स लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई एक्स, यानी अगर हम इसको कहें डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, e की पावर एक्सपोनेंशियल अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का कोई फायदा नहीं, ये देखिए ई एक्स ही आता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एप्लीकेशन है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये आपको दिया हुआ, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जैसा मैंने बताया यहाँ पर वही है। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे हम, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दो वैल्यू दी है, एक तो आपको दिया हुआ एक्सपोनेंशियल, एक वैल्यू ये है, ठीक है, और ये दूसरा आपको एक चीज़ दी हुई है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए एक्स। तो इसमें आपको दो टर्म मिलेंगे, इन दोनों टर्म को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सिंपली मान लीजिए कि अगर आप दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए होगा। कैसे, देखिए अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वन माइनस वन करेंगे, एक्स की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब वन, तो वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल में ए होता है इसको आगे लिख लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में बच जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होता है, आप लोग भी ऐसे सीख लीजिए। तो ये जो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज थे ये ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, आपको इतना कुछ पढ़ना था। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप इस चीज़ को यहीं सीख लीजिए, क्योंकि ये कई कई बार आपको काम आएगा, आपके वर्क पावर एनर्जी में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा, हर जगह पर काम आएगा, जहाँ पर भी आपसे मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह के क्वेश्चन आपको जहाँ भी पूछे जाएंगे आपको ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो आप इसको यहीं पर सीख लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का एक
पार्ट है, ठीक है। तो जब भी कोई इक्वेशन आपको दे रखी होगी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कोई इक्वेशन यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कोई इक्वेशन, ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसी भी इक्वेशन या कोई और भी इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। यानी कोई इक्वेशन है हम उसको एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी बात अभी की जाएगी कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी भी वैल्यू आपको मैक्सिमम या मिनिमम बतानी है, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आप 0 के बराबर करना होता है, ठीक है। तो रूल क्या है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, आप जब भी किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसको क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि सबसे पहले इस ग्राफ मेथड से देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, इससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये ग्राफ जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये ग्राफ मैं आपके स्क्रीन के बीचों बीच दिखा देता हूँ, फिर आपको ये देखिए, आप वाई एक्सिस पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो आपकी क्या होगी, वाई होगी, और जो इस एक्सिस पर दे रखी होगी वो वैल्यू एक्स होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप ये वाई एक्सिस पर वैल्यू रखना शुरू करो, ठीक है, और इस ग्राफ को देखिए, ये जो ब्लू कलर में मेरा ग्राफ ऐसे कर्व होकर के घूम रहा है, ठीक है। तो अगर वाई, ये जो रेड लाइन मैं दिखा रहा हूँ, वाई के लिए सबसे कम वैल्यू इस ग्राफ पर क्या हो सकती है, ए पॉइंट पर हो सकती है, और वाई की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर हो सकती है, ये देखिए, इसको फॉलो करते जाइए, बी पर हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर बी के हम लेफ्ट जाते हैं या राइट जाते हैं, तो जो भी वाई की वैल्यू होगी, देखिए ग्राफ के साथ नीचे आ रहा है, इससे कम होगी, ठीक है। और ये देखिए जो ए वाला पॉइंट है, ए के चाहे हम लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, बहुत ध्यान से देखिए, तो इससे जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वाई ए से ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी ए जो है वो आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, इससे कम कुछ नहीं हो सकता, और जो बी है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, अब इससे ज़्यादा वाई की वैल्यू नहीं हो सकती। आप खुद देखिए ये ग्राफ, अगर आप राइट पर जा रहे हैं तब भी कम हो रहा है वाई, और आप लेफ्ट पे जा रहे हैं तब भी आपकी वाई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ग्राफ पर आप क्या समझ गए, मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा आपने कहाँ से देख लिया, ग्राफ से देख लिया, लेकिन दूसरी चीज़ आप ग्राफ से और भी समझ पाएंगे, ये जो मैंने मैक्सिमा की लाइन खींच रखी है, इसका स्लोप क्या है, जीरो है, इसका स्लोप क्या है, जीरो है। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, ठीक है। अभी मैंने रूल बताया कि अगर अभी आप अगर मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हैं तो आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्यों जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, आपका जो मैक्सिमा है और मिनिमा है दोनों पर ये हमने टेंजेंट खींच रखा है ना, इन टेंजेंट का स्लोप क्या है, जीरो है। कोई भी सीधी लाइन अगर कोई एंगल नहीं बनाती है तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो स्लोप होता है यही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसीलिए मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने क्यों जीरो किया, आप देखिए ये वाई एक्सिस पर क्या है आपका, डी वाई हो जाएगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर आपका, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, इसका थीटा क्या है, जीरो है, यानी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। आप इसको दो तीन तरह से समझ सकते हैं, जैसा मैंने दो तीन बार में बताया है, जो आपको अच्छा लगे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब चले आते हैं पॉइंट ए पर, अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा पॉइंट ए, तो ए के आइदर साइड ऑफ ए हैविंग हायर वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि ए पर मिनिमा है, मैं अपने आप से तो कह नहीं सकता कि ए पर मिनिमा है, तो हमको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए ए से जैसे आप किधर भी जाइए, लेफ्ट जाइए या राइट जाइए, वहाँ पर आपको वाई की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी सबसे कम वैल्यू कहाँ पर है, ए पर है। इसीलिए आइदर साइड ऑफ, यानी ए के लेफ्ट साइड और राइट साइड, इधर को मैंने क्या बोला, आइदर साइड ऑफ ए हैविंग हायर वैल्यू, ठीक है, उससे ज़्यादा ही वैल्यू होगी, यानी सबसे कम वैल्यू ए की होगी, ठीक है। इसीलिए जो पॉइंट ए है, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं मिनिमा, ठीक है। तो जैसा कि आपको दो तीन बार मैंने समझा दिया, ग्राफ में भी आपको मिनिमा समझ में आ गया, इस पॉइंट ए पर भी मिनिमा क्यों होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा और वैल्यू है, इससे कम वैल्यू कोई नहीं है। अब मान लीजिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जाहिर सी बात, सबसे पहला रूल है, अगर आपको मिनिमा चाहिए, ओके, एम आई एन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मिनिमा, अगर आपको बेटा मिनिमा चाहिए है,
या मैक्सिमा चाहिए, तो आपका रूल है कि जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो इसका पहला डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन, ये तो आपको पता है, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अगर इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन करें, सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसी चीज़ को एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो इसको लिखते हैं डी डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए मोर देन ज़ीरो। मोर देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, मिनिमा का क्या मतलब होता है, मिनिमा हो या मैक्सिमम हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा ये देखिए ज़ीरो होगा क्योंकि इसका स्लोप ज़ीरो होता है। तो इसमें भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन ज़ीरो कर दिया, फिर इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करने का मतलब इसी डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट किया मैंने, तो ये क्या होगा, डी डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अगर दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो जान लीजिएगा, आप भी मान लीजिए क्या कि वो आपका मिनिमा होगा, ठीक है। अभी इसके कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, आप लोग मेरे साथ इसे पर देखते रहिए स्क्रीन पर। अब अगर पॉइंट बी पर हम आ जाते हैं, ठीक है, सिंपली आप पॉइंट बी को देखिए, तो पॉइंट बी पर भी क्या कहेंगे आप, अगर आप कमेंट करना चाहें तो। सबसे पहले पॉइंट बी पर मैं मैक्सिमा लिख देता हूँ, ये मैक्सिमा कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं आइदर साइड, ओके, आइदर साइड आप पॉइंट बी हैविंग लोअर वैल्यू, हैविंग लोअर वैल्यूज, ओके। अब अगर बी से सारी वैल्यूज कम है, यानी बी सबसे ज्यादा है, तो इसको मैक्सिमा कहेंगे, सिंपल है ना। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिला है। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, मैंने पहले ही बता रखा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, उनका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि इनका स्लोप ही जीरो है। आप ग्राफ में फिर से देख लीजिएगा, मैक्सिमा मिनिमा दोनों स्ट्रेट लाइन है, स्लोप जीरो है। अब सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव में आ जाती है, कोई भी वैल्यू अगर जीरो से कम है तो वो क्या होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो से कम हो या निगेटिव आ जाए, ठीक है, कोई इक्वेशन है आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी वो वैल्यू क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें आप इसमें सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैक्सिमा मिनिमा का इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, आपके सामने मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से सीखते रहिए आप लोग भी। अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, ये है, तो वाई इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, ओके। तो ये एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन है, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो वैल्यू है मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, तो आपका ये देखिए दे रखा है y इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब इससे आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, ये आपको डिसाइड करना है, जैसा कि मैंने पढ़ाया है उसी का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, चाहे मैक्सिमा निकाल रहे हो या मिनिमा निकाल रहे हो, तो हमें क्या करना होता है, इसका पहला डिफरेंशिएशन जीरो पर करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैंने इसे जीरो कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करिए आप मेरे साथ, ये देखिए 2 जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई करती है, तो 2 इंटू 5 हो गया, ठीक है। और x की पावर हम माइनस कर देते हैं, तो इसकी पावर 2 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2x, x की पावर 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आया, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 1 का जो डिफरेंशिएशन है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 10 माइनस 2, ठीक है, ये आपका 10x है, 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, चाहे आपका मैक्सिमा मिल रहा हो या मिनिमा मिल रहा हो, यहाँ से हम पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करिए, ये क्या आ गया, 1/5 आ गया, यानी अभी तो हमको नहीं पता कि मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है, लेकिन चाहे मैक्सिमा मिले या मिनिमा मिले वो कितनी डिस्टेंस पर मिलेगा, 1/5 पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को और भी सॉल्व करते हैं, ओके। अब मान लीजिए ये तो मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, अब यहाँ पर इस साइड पर मैं सेकंड डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका, तो हम क्या करेंगे, डी डी वाई अपॉन डी एक्स का
स्क्वायर, ठीक है। इसका ये जो डी डी वाई लिखा, मैं एक बार आप लोग को फिर से समझा देना चाहता हूँ, डी डी वाई ये कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ये जो आपका आया है, ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। इसका मैं फिर से डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, तो इसको ये देखिए, डी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका किस फॉर्म में हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया। यानी इसी चीज़ को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करें, ये देखिए डी अपॉन डी एक्स, तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। अब जो आपका ये वैल्यू आया है, इसका डिफ्रेंशिएशन मैं फिर से करने जा रहा हूँ आप लोग के सामने, कितना आया है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, टेन एक्स माइनस टू, टेन एक्स माइनस टू इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ, डी डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, डी डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स की पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए मेरे साथ स्क्रीन पर, आपको अभी दिख जाएगा ये जो डी डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, सेकेंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आई है 10 आई है, और ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलने जा रहा है, अब मिनिमा मिलने जा रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्यों मिनिमा मिलेगा, क्योंकि आपका जो डिफरेंशिएशन क्या, डी डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैक्सिमा और मिनिमा, अब लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू वाई की क्या हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। मैं यहीं पर दिखा देता हूँ आपको इक्वेशन में, अभी आपने एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब x की वैल्यू आप इसमें रखिए और सॉल्व कर दिए, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, ओके। तो मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन आप कुछ इसी तरह से देखिए, अभी आपको वापस से रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का जितना पॉइंट आपको पढ़ना था। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक के लिए हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, ओके। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट होता है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये कोई भी इंटीगर मल्टीपल नंबर हो सकता है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फिर आपने वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल क्या होता है, जो वैल्यू टाइम एंड पोजिशन के साथ चेंज हो सके उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फंक्शन जैसा कि आप समझ चुके, कोई भी इक्वेशन है जिसको आप डिफरेंशिएट करना है, जिस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे सामने खाना है तो हमारा फंक्शन क्या है, उसको खाएं, तो ऐसे कोई इक्वेशन है तो चाहे उसे डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है इसमें, देखिए फिजिकल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का जब भी कोई चीज़ डिफरेंशिएट करी जाती है तो हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू दी वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें लिख रखी है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपको क्या देता है, एक तो आपको स्लोप देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपका, जब भी आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आपको उससे क्या मिलेगा, एक तो इंस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा या थीटा मिलेगा, यानी डिफरेंशिएशन के ड्यूरिंग आपको स्लोप मिलेगा और क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको बिल्कुल आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। इन सारे फार्मूले को आप बिल्कुल याद रख लीजिए और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका वाई जो फंक्शन है इसका, ये सॉल्व करने के बाद आपका ये फार्मूला आ जाता है, उसकी पावर को आगे रखते हैं, पावर से 1 माइनस कर देते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप सबको, हमको पता होना चाहिए, अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अगर कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ हो गए तो उसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए कुछ इस तरह से होगा कि उस पर जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उसकी पावर से 1 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल चीज़ हो जाती है कि अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको करना कुछ नहीं है, अगर दो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ऊपर नीचे यानी डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पहले वाले वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे,
और नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे जो नीचे वाला है ठीक है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, और फिर नीचे किससे डिवाइड करेंगे जो नीचे वाला वेरिएबल है उसी का स्क्वायर कर देंगे, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे सिर्फ उस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल जो आपके नीचे यहाँ पर मैंने सॉल्व कराया उससे आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ मत करिए, आप सबसे पहला काम करिए कि जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसको आप क्या करिए डिफ्रेंशिएट करिए और पहले वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर क्या करिए दूसरे वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स है समझा रखे हैं, आप फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझना है अच्छे से तो ठीक है। फिर कुछ अदर फार्मूला है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसका कोई अलग से फार्मूला नहीं होता जो आप पढ़ करके इसको समझ सकें। तो आपका ये डिफरेंशिएशन साइन हो जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, टैन का डिफरेंशिएशन कोई ज़रूरी नहीं लेकिन फिर भी एक बार के लिए देख लीजिए, बाकी ये सारी चीज़ें जो भी मैंने लिखी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है। ये हो जाता है आपका, ये याद होना चाहिए कि लॉग बेस ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है ठीक है, वन अपॉन एक्स होता है, वन अपॉन एक्स होता है, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है वही होता है ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैक्सिमा और मिनिमा जो कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मिनिमा होता है उसका सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो मिनिमा होता है इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, निगेटिव होता है ओके। और कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं ये आप लोग देख लीजिएगा ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आप इसको समझ लीजिए। तो आपका अगर इतना पढ़ते हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस फार्मूले के बाहर के क्वेश्चन भी आपके बुक में दिए हों या आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हों तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ना है। 2 साल के पूरे सिलेबस को आपको कम्प्लीट करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरी कैलकुलस मैथमेटिक्स लेकर के बैठ जाएं और आप कोशिश करें कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन कर करके फाड़ करके रख देंगे, इससे आपको जरा भी फायदा होने वाला नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं बस इतने से क्वेश्चन कभी बाहर जाता ही नहीं। हो सकता है 1-2 फार्मूले मैंने फिर भी ज़्यादा बता दिए हैं, लेकिन अच्छा है कि आप अप्लीकेशन अपना बढ़ा करके रखो, ये आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आज आपका ये जो दूसरा यूनिट है ख़त्म हो रहा है बेसिक्स मैथमेटिक्स का। अब एक आखिरी यूनिट बचता है वेक्टर, तो आप लोग इसको पढ़िए समझिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन पर आकर के बताइए, हम लोग इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और फिर आप अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। आई होप इतना काफ़ी है आपके लिए, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आपके साथ होंगे वेक्टर, इसके बाद आपका बेसिक्स मैथमेटिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे की चीज़ें रेगुलरली वीडियोज़ आपको आती रहेंगी। आपको ऐसे ही आसान चीज़ें, अगर आपको और भी कुछ आसान लगता है आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हमें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए, हम आपके लिए ज़रूर ही कुछ अच्छा करेंगे और आप भी बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में अगर इन सारी चीज़ों को ऐसे गाइड लेकर के चलेंगे। क्योंकि आई होप मैं ज़रूर कुछ अच्छा बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और खुद नीट बीट कर करके MBBS की एक सीट सिक्योर की है, और आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। मैं अभिषेक मौर्य नाम है मेरा और मैं MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, सो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि इससे हम लोग का हौसला बढ़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेक्टर। थैंक यू।